और शैतानरजीम बसमल रीम अम नाजर कराम प्रोग्राम पयाम करबला के साथ आपका मेज़बान सैद मशर अब्बास मूसवी आपकी खिदत में हाजिर है नाजन कर पिछले प्रोग्राम में जिस तरह से मौलाना साहब ने जो हदायत के हवाले से बात की कि किस तरह से हदायत की जा सकती है किस तरह से हदायत को हम समझ सकते हैं किस तरह से हदायत को हम पा सकते हैं और इंतब सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि कहा गया कि चौदह सौ साल कल भी यही माजरा था कि लोग आते थे अपने आप को हादी और रसूल आ, कहते थे कि हम हादी हैं हम रसूल हैं लेकिन वो खुदा की तरफ जाने के बजाय खुदा से दूरी इख्तियार करते थे और उस हादी का इंतखब सबसे ज़्यादा अहम है किस तरह से हम उन हादी को इंतख कर सकते हैं और ये महीना मुहरम का महीना इस महीने के तवसत से इस महीने के जरिए हम उस हादी को पहचान सकते हैं जो लोग अभी हिदायत नहीं पाए और बहुत सी मिसालें मौलाना साहब ने बयान किए किस तरह से जो शख़्स खुद हिदायत पाता है वो दूसरों की हिदायत करता है लेकिन जो शख्स हिदायत नहीं कर सकता जो खुद हिदायत अभी तक नहीं पाया तो वो कैसे दूसरे लोगों की हिदायत करेगा तो ये मुहरम अलहराम का महीना है मस्जिद इमाम हसन अस्करी से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और यहाँ से इसी माँ मुहरम के तबसुद से हम चाह रहे हैं कि आप उस हादी को पहचानें आप उस हिदायत कुलंदी को पहचानें यानी हिदायत किस तरीके से किस तरीके से की जा सकती है किस अंदाज़ से उस हिदायत को करने वालों को हम पहचान पहचान सकते हैं उसको हमने पहचानना है उसके अलावा फिर लुगत के हवाले से बताया कि, कि हिदायत असल में क्या है क्योंकि जब जब तक हम हिदायत के माना को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम हिदायत पा नहीं सकते जिस तरह से बहुत सी मिसालें बयान की जाती हैं कि जब तक आप मौलाम की मारफत नहीं करते जिस तरह से आप, आप जीारत के लिए आते हैं जब तक आप जीारत की उस मारफत को नहीं समझ सकते उस वक्त तक आप उस को स्व जो है आपको नहीं मिल सकता आप उसकी फ़जीलत को नहीं पहचान सकते इसी तरह जब तक आप हिदायत के माना को नहीं समझेंगे कि क्या हिदायत का असल माना क्या है हादी कौन है उस वक्त तक आप उस रास्ते पर चल नहीं सकते उसकी हिदायत को आप पा नहीं सकते इसीलिए जब हम लुत लुत के अतबार से मौलाना साहब ने बयान किया उसके बाद उसके अकसाम के हवा से हमारी गुफ्तु जारी थी और उसके बाद जिस तरह से बताया गया कि जो आयतें हैं जो है लफ्स हिदायत जो है वो तकरीबन एक सौ पच्चीस या उससे जायद जो है वो लफ्ज़ है खुद हदायत जो है वो कुरान में इस्तेमाल किया गया है यानी उसकी अहमियत को आप इस तरह से जान सकते हैं कि कुरान के अंदर हिदायत लफ्ज़ हिदायत का कितनी बार इस्तेमाल किया जाता है क्यों क्योंकि इसकी अहमियत को लोगों तक पहुँचाना है हिदायत के जरिए आपने खुदा तक पहुँचना है इसकी इसकी जो अहमियत वो बयान की गई अब खुद मौलाना साहब ने यहाँ पर उसकी अकसाम के हवाले से हम गुफ्तू कर रहे थे कि अक उसकी अकसाम कितनी थी बताया गया तकवीनी और तश्री की तशरी हवाले से गुफ्तु हमारी हो रही थी आज भी हमारे साथ मौजूद है हजरतमस्तम सैद जीशानल हसनी साहब असल वरहल वरम आपका दोबारा से सबसे पहले शुक्रिया दा, शुक्रिया अदा करते हैं और महरमल हराम महीना गमगीन महीना है गम का महीना है तमाम नाजरन की तरफ से हम तशरीत व ताजिया दर्ज करते हैं बहुत शुक्रिया खुदा आपको भी जजाय खैर देती को पहुँचाने के लिए तमाम कोशिशें अंजाम दे रहे हैं खुदा हम सबको इन शेहै की तलीमत को आगे तक पहुँचाने की तोफ़ी दें कल जिस तरह से पिछला हमारा जो प्रोग्राम था उसमें आप बयान कर रहे थे कि हिदायत की जो अकसाम है उसमें से एक आम है जिसमें तमाम नबातात हैं हवानात हैं जमात सब के सब शामिल हैं और उसमें हम कहा तकवीनी और तशरी की अकसाम बयान कर रहे थे तकवीन आपने बेहतरीन अंदाज़ से बयान किया कि किस तरह से वो उसके माना हैं और क्या हैं तमाम को अपने हमारे नाजरन को बयान किया जो 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 नाजरन चाह रही कि इसके माना को सही तरह समझे तो हमारा पिछला प्रोग्राम जो है वो हिदायत टी वी के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर पढ़ा हुआ है फेसबुक है वहाँ पर भी पढ़ा हुआ आप वहाँ से इसके जो पहला हिस्सा वहाँ पर उसको देख सकते हैं ताकि आप हमारे दूसरे हिस्से से, से मुतासर हो सके तो उसके बाद आप तशरी हवाले हाँ से बयान कर रहे थे कि खुद हिदायत तशरी क्या माना है और उसको बयान कीजिएगा जी बसमन मैं सबसे पहले अपने नाज्रन के लिए मुमकिन बाज़ ने पहला जो हमारा सेगमेंट रहा उसको ना सुनाओ तो खुलासे के तौर पे बताता चला जाऊँ कि हमने पिछले जो सेगमेंट में हमने कहा कि हिदायत या तकवीनी है या, या तश्री है, है। तकवीनी हमने कहा कि वो जो है तमाम मौजूदात को शामिल है और खुदा आलम ने हर मौजूद में एक चीज़ को वदीयत किया हुआ है जो उसके मुताबिक उसकी सिंफ़ के मुताबिक है मुंसजम है और उसके मुलायम है यानी आपस में उनकी ऐसी कोई बात होता है कि दो चीज़ें आपस में जम नहीं हो सकती मसलन तेल और पानी आपस में उनको जमा करना मुश्किल है सही। लेकिन बास चीज़ें जो है वो मसलन आप शक्कर चीनी को जो है पानी में आप जाम करें तो वो मुकम्मल मुनहल हो जाती है सही। तो ये जो हिदायत तकवीन मौजूदात के लिए वो हर मौजूद की जो हिदायत है खुदा आलम ने उसके मुताबिक रखी है जो उसके साथ मुलायम है मसन मैंने पिछले उसमें दर्ज में भी बयान किया कि खुदा आलम ने जो शहद की मक्खी को कहा कि खुदा बंदेलम ने शहद की मक्खी को जो वही की है ये वही जो है वो वही तशरी नहीं है बल्कि ये खुदा बंद आलम जो है वो शहद की मक्खी को आप बता रहे हैं कि हमने उसको बता दिया कि कैसे शहद बनाना है किस तरह फूलों से रस लेना है और ये सब चीज़ें और इसी तरह हैवानात के दूसरे जो हैं मसन एक भैंस है या एक जो है बिल्ली है एक कुत, कुत्ती है ये सब इन्होंने कैसे अपने बच्चों को पालना है बहर ये खुद खुदा बंदम ने तमाम को हदायत तकवीन की है असल जो हमारी बाहस होगी वो हृदय तश्रही में है क्यों इसलिए कि यहाँ पर खुदा बंद आलम जो है जो इंसान है उनको जो है वो हिदायत का रास्ता दिखा देता है अपने अम्बिया के जरिए से आयमा के जरिए से हादियान इलाही के ज़रिए से फिर इसके बाद लोगों का काम है कि वो इस हिदायत को अपनाएं और यहाँ ही पे यहाँ ही पे लोगों का कमाल ज़ाहिर होता है क्यों इसलिए कि जो हादियान इलाही हैं उन्होंने बशारत दी है डराया है वो नज़ीर भी थे वो बशीर भी थे बशीर इसलिए थे कि बहिष्त की बशारत दे रहे थे नज़ीर इसलिए हैं कि जहन्नुम से डरा रहे हैं सही बात अभी लोगों की जिम्मेदारी क्या है लोगों का वजीफ़ा क्या है लोगों की तकलीफ़ क्या है तकलीफ़ शर् वो ये है कि बशारत पर अमल करें बशारत का अगर तक ये है कि आमाल साले को अंजाम दें उसको अनजाम दें बशारत का अगर तकाज़ा ये है कि आज़ादारी है इमाम हुसैन के मजालिस में शिरकत करें जुलूस में शिरकत करें मातमी जो संगतें हैं वहाँ पे मातम करें ये तमाम अगर ए, बशारत का तकाज़ा है कि यहाँ से बहिशत मिलेगी तो नहीं। ये नहीं। अंजाम देना चाहिए क्यों इसलिए कि हदीस में मन अब काबा का तीन अल्फ हैं तरतीब के साथ इस तरह बका अब का तबाह का बका यानी जिसने गिरिया किया इमाम हुसैन की बात हो रही अब का जिसने करवाया, यानी मजलिस पढ़ने वाला और सुनने वाला, सुभान। और तबाका। तबाका यानी किया, यानी उसको गिरिया आ नहीं रहा लेकिन उसने शकल किया। अपनी शक्ल ऐसे बना ली अपने आप को हज़ीन करार दिया अपने आप को महजून बना लिया तो इन तमाम के लिए क्या है इमाम हुसैन पे गिरी का सिला क्या है बहशत है सुबह ले, सुबह ले. लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा क्या कभी हमारे नाज्रीन में से जो मसला बाशूर हैं वो इस नुकते की तरफ मतवज हुए हैं कि आखिर क्या वजह है कि इमाम हुसैन आलाम पे गिरीए का इस कदर सवाबल के बल कि हो जाए सुबह देखें बहिष्त देख एक ऐसी चीज है कि जो शत अबी की अलामत है यानी उसके बाद इंसान के लिए कोई मुश्किल नहीं है उसके बाद इंसान किसी तकलीफ में नहीं है उसके बाद इंसान के लिए कोई मुशक्कत नहीं है आखिर क्या चीज है कि आंसू का एक कतरा इस सदत अबदी का बायस बनता है इस पे तो करने की जरूरत है तो अगर तोजह की जाए तो हमें अंदाज़ा होता है कि इंसान की आंखों से आंसू कब जारी होते हैं जब कल्ब में रिक्क़त हो बेशक बेशक इसमें कोई जिसका कल्ब शकी हो जिसका कल्ब सख्त हो उससे आंसू जारी नहीं।, नहीं होते और जब इंसान का दिल नरम हो दिल में रिक्क़त हो तो मारफ़ को कबूल करने की सलाहियत पैदा कर लेता है Allah. जब कोई मजल हुसैन में आता है अहल बैत का ज़िक्र सुनता है तो अहले बैत का जिक्र इंसान को उस विलायत के मकाम पर ले जाते हैं कि जहाँ पर तोहद भी अशिकार हो जाती है, है रिसालत भी अशिकार जा जा हो जा जा जाती है जा इसलिए कि जब किसी को विलायत समझ में आ जाए तो उससे ज़्यादा माहिद इंसान कायनत में नहीं हो सकता और यही वो आंसू हैं कि जो इस चीज़ की निशानी है किसके दिल में विलायत अहल बैत दाखिल, दाखिल हो गई है।, क्या बात है और जब किसी के दिल में विलायत अहल बैत दाखिल हो जाती है सुभान तो इंसान खुदा की मासियत करने से डरता है वो इंसान गुनाह के इरतक करने से डरता है लिहाजा यही वजह हृदय तश्री में जो हमने हदीस बयान किया है किन्नल हुसैन मिसबाहुदा व सफ़ीनात यहाँ पे जो हिदायत से मुराद है वो हिदायत तश्री है यानी हुसैन वो चिराग हिदायत हैं कि जिन्होंने लोगों को दिखा दिया हिदायत का रास्ता सही। वो हिदायत का रास्ता कौन सा है वो अहल बैत की इतबा है बिल्कुल अहल बैत की इतबा ही से आप क्या करेंगे आप तो को पा लेंगे क्या बात देखें मैंने पिछले सेगमेंट में भी ये बयान किया कि या बदून के खुदा बंद आलम ने इंसान को हल्क इसलिए किया है कि इंसान खुदा की इबादत करे और इबादत कब होगी जब मार्फत होगी क्या बात है सुभान इसलिए बाज़ मुफसरी ने यह कहा कि खुद इबादत ही मार्फत का बायस होती है यानी आप जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज क्यों पढ़ते हैं देखें एक बच्चे को आप देखें अगर हमारे सामने सामप आ जाए तो हम उसको फौरन मारने की कोशिश करेंगे अगर हम शुजा हैं उसको मारने की कोशिश करेंगे सही। लेकिन अगर शुजात में कमी है तो हम भागेंगे हम भागेंगे उससे सही। लेकिन एक बच्चा जो है वो ना उसको मारने की कोशिश करेगा ना उससे भागेगा बल्कि पकड़ने की उसको पकड़ने की कोशिश पक� करेगा क्यों इसलिए कि जो बच्चा है वो सांप की माहियत से नाशिना नहीं है ये वो सांप है कि जो किसी को डस ले तो इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठ रहा है, है। हम जानते हैं कि ये सांप इस कदर ख़तरनाक है लिहाजा या हम उसको मारने की कोशिश करेंगे या उससे भागने की कोशिश करेंगे इसे कहते हैं ये खनो मार्फत ये एक किस्म की मार्फत, मार्फत है, है हमारी सांप के मुतल बच्चे को चूंकि वो ये मार्फत नहीं है ये मारफत का अधना दर्जा है ये मार्फत का अदना दर्जा है कि आप शिनाख्त रखते हैं किसी चीज़ की खुदा बंद आलम भी बंदों के लिए अगर उस बंदे उसकी मार्फत रखते हैं तो उसके अजाब पे भी यकीन रखेंगे उसकी बशारतों पे भी यक़ीन रखेंगे सही। अगर अजाब पे यकीन रखेंगे तो खशियत पैदा होगी खुदा बंद आलम कुराने मजीद में क्या फरमाते हैं? इन नक्शल मिन इबाद ही अलौल के खुदा बंद आलम से देखें इन नमा कलम हसर है के खुदा बंद आलम से सिर्फ वही बंदे डरेंगे कौन इन्नाशल्ला वही खशियत रखेंगे देखिए खशियत खौफ से आगे का मरतबा है खशियत में मार्फत पिन्हा है, है। खौफ में मुमकिन है मार्फत उस दर्जे की ना हो या एक इब्तई सतह की मालूम हो बिल्कुल लेकिन खशियत क्या है मार्फत पिन्हा है इनशल्ला इबादा के खुदा बंद आलम से उसके ओलमा जो बंदे हैं वो खशियत रखते हैं इसलिए कि वो खुदा को जानते हैं सही खुदा का इल्म खुदा की मार्फत रखते हैं बिल्कुल है सही। जब इंसान खुदा की मार्फत रखता है ना तो फिर इंसान इस चीज़ पे इस चीज़ पे पहुँच जाता है इस चीज़ को दर्द करता है कि उसका जो मुकम्मल वजूद है वो शराप एहतियाज है क्या बात या ए लोगो तुम तमाम मोहताज हो फकीर हो किसके खुदा दे देखें हम अगर किसी बच्चे को एक टाफी दें बच्चा खुश होगा ऐसे लेकिन अगर बच्चे पे हम सख्ती करें जानते हैं बच्चा हमसे नाला होगा और जब भी देखेगा भागेगा सही है तो अगर तो हम बच्चे के मतवली हैं मतवली में मसलन उसके बाप हैं उसके चचा हैं या उसके करीबी रिश्तेदार उसके सरप्रस्ती करने वाले सही तो हम उसकी भलाई चाहते हैं सही है हम उसको टाफ़ी देंगे इसमें भी भलाई है उसको डांटेंगे इसमें भी भलाई है बिल्कुल ऐसे लेकिन बच्चे को इम नहीं है बच्चे के लिए मुमकिन है एक ऐसा शख्स आए कि जो बच्चे का दुश्मन है बच्चे को अगवा करना चाहता है बच्चे को पहचान नहीं है उसमें और मुझ में मैं उसका मतवली हूँ उसका सरप्रस्त हूँ मैं उसकी भलाई चाहता हूँ बच्चे को अगर वो टाफी देगा तो बच्चा उसकी तरफ चला जाएगा सही बच्चे को अगर मैं टाफ़ी दूँगा बच्चा मेरी तरफ आएगा बिल्कुल ऐसे ही सही है, है। खुदा बंद आलम के बंदे भी इसी तरह है यानी एक तरफ खुदा बंद आलम की ज़ात है जो बंदों को बुलार या किस की तरफ बहिश्त की तरफ

यानी अगर बंदों को मार्फत होगी तो वो खुदा की अतात करेंगे करेगा, बिल्कुल ऐसे। खुदा की मासीियत से बचेंगे लेकिन अगर बंदे को मार्फत नहीं होगी वो शैतान की पैरवी करेंगे आज दुनिया में देख लेंगे कितने लोग ऐसे हैं जो कि मार्फत नहीं रखते और शैतान की अतात करते हुए बिल्कुल देखिये मतलब देखें कर... दुनिया में इस, अब, इस वक्त आबादी कोई सात अरब से जायद है बिल्कुल ऐसे अच्छा मुसलमान कितने होंगे एक से सवा अरब या डेढ़ अरब क्या लें अच्छा उनमें से भी मुसलमानों में से भी कितने वो लोग हैं कि जो हिदायत याफ्तः फिरके हैं कितने वो हैं जो गुमराह फिरके हैं बिल्कुल है, ऐसे ही अभी वो भी अपने आप को मुसलमानों में शुमार करता है बिल्कुल जो मुसलमानों ही पे धमाके करता है सही बात है दाइश भी अपने आप को मुसलमान कहती है सही बात है शाम में जो नसरा है यमन में जो मसलन जो मुखालफी हैं जो सऊदियन जो वहाँ पे बम्बारमेंट कर रहे हैं ये सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही तो क्या वो मुसलमान जो हिदायत याफ्ता है वो यही मुसलमान है बिल्कुल ये मुसलमान तो दूसरे मुसलमान की जान ले रहा है ले रहा है। और खुदा बंद जिसने एक नफ्स मोहतरमा की जान ली गोया उसने पूरी इंसानियत की, की जान, जान ली, ली तो पता चला कि मुसलमानों में भी कई फिर है मुसलमान है वो जो है जो गुमराह है मुसलमानों में हम कह सकते हैं कि ये हिदायत याफ्ता है और ये हिदयाफ्ता ये हिदायत याफ्ता नहीं है जो खुद इंसानियत का दुश्मन हो वो कैसे हिदायत याफ्ता हो सकता है लिहाजा मैं जो बात कर रहा था कि हिदायत तशरी में क्या होता है जो हादियान इलाही हैं, वो आपको रास्ता दिखा देते हैं और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि जो हदीस है इनैैन मिसबाहुदा यहाँ पर इमाम हुसैन स्लम हिदायत का इस्ते हैं हक को बातिल को अगर पढ़ना चाहें तो कल जब इमाम हुसैन का ज़माना नहीं था उस वक्त रसूल खुदा ने कहा था कि अल हक व अली व अली मल हक اللهم ادل الحق حيث دار علی उस वक्त अली में आए हक को बातिल थे अब जब हुसैन का जमाना आया तो इमाम हुसैन अलैहि सलाम में आए हक को बातिल है तो हिदायत तशरीह इमाम इस्लाम जब واقعہ करबला हो रहा है रोजे आशूर जो इमाम खुतबे दे रहे हैं लोगों को पुकार रहे हैं कि मैं देखो तुम्हें बहिष्त की तरफ बुला रहा। रहा तुम आखिर मेरी क्यों नहीं सुन रहे लोगों नहीं ने जवाब नहीं दिया यहाँ पे अगर खुदा चाहता तो तमाम लोग इमाम की पैरवी करते लेकिन खुदा ने नहीं चाहा इसलिए कि लोगों को जो लोगों का जो कमाल है वो इनके इख्तियार में है अगर वो मुख्तार नहीं होंगे तो कमाल कहाँ से आएगा तो इमाम हैं हिदायत हिदायत का इश्यारा है बिल्कुल और यही वजह है कि मामे हुसैन और जो दूसरे हमारे आयम ताहरीन हैं या इनसे पहले जो अम्बिया गुजरे हैं इन्हीं के लिए खुदा बंद आलम ने फरमाया कि हम फरमायामत यहदूना बेमरेना कि हमने उनको आइमा बनाया है कि जो हमारे अमर की हिदायत ये करते ये। हैं यानी बनाने वाला खुदा वंदे आलम की साथ है यानी जिन को खुदा बनाए वही खुदा के अमर की हिदायत करते हैं जिनको खुदा ना बनाए और जिनके बनाने पे खुदा राजी ना हो वो किसके अमर की हिदायत करेंगे वो शैतान के अमर की हिदायत करेंगे इसलिए कि जो खुदा के हादियों के मुकाबले में आ जाए वो शैतान का नुमाइंदा है और अभी हम मसादीक में नहीं जाना चाहते कि कौन कौन खुदा के हादियों के मुकाबले में आया में है, है, है। खुदा बंद आलम ने जहाँ भी अपने हादियों का जिक्र किया है चाहे वो रसूल है चाहे वो नबी है वहाँ पे कहा आप कुरान की देखे मसल के हिदायत आ गई उनके रब की तरफ से अल कर्न ना लोगों के लिए हदायत है अभी ये जितने भी आयात हैं इन तमाम में एक नुक्ता मुश्तरक है वो क्या है रसूल है खुदा की तरफ से इमाम है खुदा की, की तरफ, तरफ, तरफ से क़ुरान है खुदा की तरफ से यानी खुदा बताना ये चाह रहा है अगर तुम मेरे रास्ते पे कायम रहना चाहते हो मेरी तरफ़ हिदायत पाना चाहते हो तो उन लोगों की इतबा करो जिनको मैंने भेजा है चाहे किताब की शक्ल में भेजा हो चाहे इंसान की, की शक्ल में भेजा हो यही वजह है कि जब मसा इमाम हुसैन के लिए हदीस में इन इनैन मिसवादा तो ये सिर्फ इमाम के लिए नहीं है बल्कि मुख्तफ़ मसा अहल बैत के दूसरे अफराद के लिए खुद तमाम अहल बैत के लिए भी आया कि मा सल बी थी का मासल सल सफीना थे नूह क्या बात कि मेरे अहल बैत की मिसाल सफ़ीन नूह की मानत दे। है देखें हज़रत नौ के हम जरा जाते हैं उनके ज़माने में कि हजरत नौ नौ सौ पचास साल फ़कत तबलीग करते रहे यानी बास रवायात में है कि हज़रत नौ पच्चीसों साल तक इस दुनिया में जिए जिंदगी की रहे नौ सौ पचास साल तब्लीग करते रहे लेकिन कुछ असर ना हुआ सिर्फ कुछ लोग थे कहा गया कि कुछ, कुछ लोग, लोग थे जो हिदायत, हिदायत पा गए बाकी बहुत से लोग थे वो नहीं। जब खुदा ने हसर नूराम का नूह कश्ती बनाओ इस ना न कश्ती बनाओ तो अभी जो गुमराह होता है वो इलाही से भी तमस्कर उड़ाता है बिल्कुल हादिया इलाही के कामों से भी तमस्कर उड़ाता है बिल्कुल इसलिए कि जब इंसान को किसी काम की समझ नहीं आती तो उसका तमस्कर उड़ाता है बिल्कुल जब वो हर दर्म हो जब वो ज़िद्दी हो जब हजर नाम कश्ती बना रहे थे पास से लोग गुजरते थे तो मस्कर थे मजाक इस बेयाबान में इस बेयाबान में इस सहरा में नू ने कश्ती बना के क्या करना है तो बहरहाल खुदा की मशीअत थी वो उन्होंने हिदायत नहीं पाई हज़र नूसम ने उनके लिए बद दुआ की सैलाब आया तूफान आया और जब पानी हर तरफ फैल गया और हजर नूसलम ने ये भी यहाँ तक भी रवायात में है कि जानवरों का एक एक जोड़ा जो है वो कश्ती में सवार किया ताकि उनकी नस्ल बाकी रहे और इंसानों में से अंगशुमार लोग थे जो कश्ती में सवार हुए हालांकि उनका अपना बेटा शामिल ना हो सका जी अभी मैं इस तरफ आना चाह रहा हूँ ये अंगुश शुमार लोग सवार हो गए और हज़रत नूल का जो बेटा था हज़रत नूल देखें बिल आखिर बाप और बेटे का एक रिश्ता है, है।, है।, है। आप फरमान हो या फरमा बरदार हो वो बेटा बेटा ही है बिल्कुल। अभी बिल आखिर बाप की शफकत है यानी एक तरफ नबी की नबूत है दूसरी तरफ बाप की शफकत है बेटे को आवाजें दे रहे हैं कि आओ कश्ती पे सवार हो जाओ तो उसने आगे से क्या कहा उसने कहा नहीं मैं कश्ती पे सवार नहीं होगा मैं बड़े पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा तो हजरत जो खुदा का अजाब है इससे आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा बिल्कुल जब बाप की शफकत का इसराज देखा खुदा आलम की ने, तो उस खुदा बंदेलम तो खुदा ने, ने, ने कहा अहल में से नहीं है क्यों दलील क्या है इसका अमल है, इसका जो अमल है वो सालह नहीं, नहीं है, है।, है। अच्छा। खुदाबंद पैगाम देना चाह रहा है सुभान तमाम लोगों को पैगाम देना चाह रहा है देखो तुम जितने भी दावे करो सुभान देखो ये तकवीनी रिश्ता है बाप बेटे का लेकिन अगर अमल अच्छा नहीं अगर होगा साल नहीं हो तो तुम्हें हिदायत तो इस रिश्ते की भी कोई अर्जिश नहीं है यहाँ पे मैं मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ तमाम मुसमान आलम को कि देखो इस आयत में तदब्बर करो बिल्कुल ऐसे खुदा बंद आलम ने उसका अमल अच्छा नहीं था बेटे होने की नफी कर दी तो अभी अगर कोई ये कहे कि कोई रसूल के इतना करीब है कोई रसूल का फलां रिश्ता लगता है कोई रसूल का फलां रिश्ता लगता है सही। तो देखो खुदा के नज़दीक इसकी कोई हैसियत है नहीं है बिल्कुल अगर कोई रसूल के अमल जैसा अपना अमल नहीं करता तो रसूल से जो भी उसका रिश्ता हो उसकी कोई अर्जिश नहीं, हो। नहीं होगी तो लिहाजा देखें हिदायत तश्रै हदायत तश्रैरतूल अपनी कौम को ही बुला रहे हैं बेटे को ही बुला रहे हैं कोई सवाल नहीं हो रहा कोई हिदायत नहीं पा रहा तो यहाँ पे एक और नुकता मैं कहता चला जाऊँ इसके जो खुदा के हादियान होते हैं वो खुदा की तरफ से पैगाम देते हैं तो अगर उनको कबूल कर लें तो शत है लेकिन अगर उनको कबूल ना करें तो शकावत है तो यहाँ पे हज़रत नू असल्लाम के जो इतने बरगजीदा नबी थे खुदा वंद आलम के उन्होंने जब अपनी कौम के लिए बद दुआ की कि ये हिदायत Allah नहीं पा रहे तो उनकी कौम हलाक हो गई ये हज़रत नू की नबी की नबूत थी अभी मैं यहाँ पे खुदा की खुदाइत या रब की रबूबियत भी बताना चाह रहा बता? जब सब हलाक हो गए ना तो हजरत को खुदा बंद आलम ने कुछ से बाद कहा कि नूह कुछ मट्टी के बर्तन बनाओ तो हजरत ने हुक्म की तामील की और मट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए तो कुछ से बाद खुदा आलम की तो से तो वही आई क्या अभी इन बर्तनों को तोड़ डालो हज़र बिल आखिर नबी थे हुक्म की तामील तो करनी थी। बिल्कुल। खुदा से एक किया कि इन बर्तनों को मैंने अपने हाथों से बनाया है अभी इसमें क्या हिकमत छपी है छुपी है की मैं इनको अपने हाथों से तोड़ तोड़, तोड़ दूँ आपने मैंने बनाया इतनी मेहनत करके बिल्कुल आप हुक्म दे रहे तो मैं तोड़ रहा हूँ तो खुदा ने कहा कि नूह ये देखो ये बेजान बर्तन थे तुमने अपने हाथों से बनाए अपने हाथों से तो, तोड़ते हुए तुम्हें तकलीफ़ हुई लेकिन जिन बंदों के लिए तुमने दुआ की थी वो भी मेरी मखलूक थे हाँ वो गुमराह थे वो शकी थे लेकिन नूह तुमने जब बद दुआ की तो मैंने तुम्हारी खातिर उनको हलाक किया अभी ये हजरत नू असलाम का मकाम है नूसम बरगुजीदा नबी हैं। बेशक इसमें उनकी नबूत में या उनकी शान में तनकीस नहीं हो रही बल्कि खुदा की रबूबियत बताना चाह रहा खुदा की खुदाइत बताना चाह रहा हूँ अभी हमारे की राहमत को देखें, जब वा, ताइफ वा, जाते वा, हैं वहाँ पे लोग पथराव करते हैं खून से लहू लहान हो जाते हैं तो फिर एक फरिश्ता नाजिल होता है जबराइल नाजिल होते हैं क्या हबीब ए रसूल आप कहें तो हम पहाड़ को इनके ऊपर पलटा दें उल्टा दें रसूल कहते हैं किबी इन्ना, कौमी ला या कौमी इन्ना ला या क्या बात खुद मेरी कौम को हिदायत कर यहाँ दो वो हैं शाह दे कौमी एक तो ये कि मेरी कौम को हिदायत, हिदायत कर

इन तमाम का काम लोगों को रास्ता दिखलाना है सही। अच्छा यहाँ पे एक और भी नुकता कहता चला जाऊँ कि रसूल और इमाम के दरमियान जो फ़र्क बयान करते हैं कहते हैं कि जो रसूल है उसका काम है इरा तरीका, यानी रास्ते को दिखाना।, दिखाना आपको दिखाना रास्ता जी या। और जो इमाम है उसका काम है मतलूब आपको मकसद तक मकसद तक मतलूब तक पहुँचाना एक दफा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे मस्जिद जमकरान जाना है तो आप मुझे रास्ता, रास्ता दिखाते हैं सही बात है। की जमकरान यहाँ से इस तरफ जाएँ यहाँ से इस तरफ जाएँ लेकिन एक दफा आप कहते हैं कि मैं जमकरान जा रहा हूँ आप भी मेरे, मेरे साथ आ जाए अल्लाह ये जो हदीस है इसमें रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि देखो हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफिनतुन नजात है वा, वा, तुम दुनिया की तोगियानी से बचना चाहते हो तुम दुनिया की जलालतों से तुम दुनिया की गुमराहियों से बचना चाहते हो तो मेरे हुसैन की कश्ती पे सवार हो जाओ मेरा हुसैन तुम्हें उस मकाम पे ले जाएगा जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए क्या बात है क्या बात है यहां पे एक हदीस मुझे याद आ रही है कि छठे इमाम से इमाम सदक़् फरमाते हैं कि हम जितने आयमा हैं हम तमाम की एक एक कश्ती है बेशक लेकिन सफीना तो हुसैन असरा लेकिन हमारे जद हुसैन की कश्ती सबसे ज़्यादा तेज चलती क्या है।, बात है क्या बात है यही वजह है कि हमारे एक बहुत बुजुर्ग आलम दिन जिनकी तरफ ये जो है किस्सा मंसूब किया जाता है वो अपने ज़माने के मर्जियत रखते थे मुशतहद आला थे कहते हैं कि उन्होंने ख्वाब में देखा कियामत हो गई है लोग हिसाब व खिताब में मशगूल हैं और बहिशत में जाने के लिए लोग जो है वो दरवाज़ों पर बहिष के दरवाज़े हैं वहाँ पर सामने लम्बी लम्बी तोफ़ें लगी हुई हैं तो वो अपने आप को बहुत तुलानी सफ़ में देख रहे हैं और वो सफ़ बिल्कुल ऐसा 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 चल रही है लेकिन एक दूसरी लाइन ऐसी है कि जहाँ लोग तेज़ी से जो है वो बहिश के अंदर दाखिल होते चले जा रहे हैं तो वो वी आलम ख़्वाब में पूछते हैं कि आखिर उस साफ़ में क्या है कि लोग तेज़ी से दाखिल होते चले जा रहे हैं और इस साफ़ में जो है वो लोग बहुत ऐसा ऐसा और बहुत लंबी साफ है और ऐसा ऐसा दाखिल हो रहे हैं तो उनको कहा जाता है कि वो हुसैन पे घिड़िया करने वाले हैं वा, 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 वा। जिनको इमाम हुसैन जल्दी से बहिष में दाखिल करते चले जा रहे हैं और यहाँ इमाम है कि जो मसलन, हम लोगों ने जो मराजे मुश्तन ने जो फतावा दिए लोगों के लिए कुरान और हदीस को समझ के वहाँ एक एक फतवे की तस्दीक करवाई जा रही है की ये किस आयत से है किस हदीस से इस्तेज किया गया है तो ये है इमाम हुसैन का मकाम इसी वजह से हमारे बहुत बुजुर्ग यही मदरसा फैजिया में बुजुर्ग जब दर्ज खारिज शुरू करने लगते थे तो पहले चार पाँच अहल बैत को बयान करते मसायब इमाम को बयान उन करते उनसे तवसल करने के बाद दर्स को आगे इधामे देते तो ये इमाम हुसैन पे गिरया करने का मकाम भी मैंने आपको बयान कर दिया कि इम हुसैन आसलम जो हिदायत तशरी कर रहे हैं लोगों को लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं कि देखो ये जो दुनिया है ये बिल आखिर खत्म हो जानी है आज नहीं तो कल खत्म हो जानी है लेकिन जब हक बातिल का कहीं पर मार्का हो जाए तो देखो मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ गर्दन कट तो जाए लेकिन झुके नहीं सुबह बेहतरीन अंदाज़ा ने अभी विलायत तकवीनी और हृदय तकवीन और तशरी के हवा से गुफ्त हुई और इमाम हुसैन आसम ने हम कहा कि खुद जो हदीस जो है इनैैन मिसबादा ये हदायत तशरी में इसको हम शुमार करेंगे उसकी में हम इसको शुमार करेंगे अब यहाँ पर बहुत अहम सवाल है वाकया हम देखते हैं कि इतने जिस तरह कहा कि और अहराम का महीना है इस महीने में सबसे ज़्यादा जिक्र महर्रम का महीना हो गया और सफ़र का महीना ये दो महीने ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इमाम हुसैन आल्म का जिक्र किया जाता है इमाम हुसैन आसमाम की जो ख़ानदान है उसका जिक्र किया जाता है जिस तरह से कहा कि मैंने शुरू में अपने प्रोग्राम में पहले प्रोग्राम में कहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये महीना आया ये महीना है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानवाया जा रहा है तो कहा कि नहीं बहुत मकामा पर खुद रसूल खुदा सल्लाम ने हुसैन को पहचानवाया है अपने दोष मुबारक पर बिठाकर कहा कि हुसैन हुसैन जो है मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ एक जगह पर कहासैमान मिनल हुसैन मुख्तल अहादिस्त बयान आन के कहा कि वाह हुसैन जन्नत के जो है सरदार हैं वहाँ पर जितने भी लोग जन्नत में जाएंगे उन सब के जो है वह सरदार हैं इसके बावजूद फिर आपने जो आज जो हमारा खुद मौजू जो हमारा है इन हुसैन में सवाल होता है कि हुसैन आसमाम चिराग हिदायत हैं इसके बावजूद आप देखते हैं कि करबला में भी इतने ज़्यादा लोग कारवान की सूरत में जब करबला की तरफ मदीने से करबला की जरूरत एक कारवान की सूरत में हज़ारों लोग होते हैं उसके बाद भी आप देखते हैं आज के दौर में देखते हैं तो इमाम हुसैन आसमाम के साथ जब रसूल मुख्तलिफ मकाम पर अहदीस के जरिए अपने अमल के जरिए हुसैन को पहचानवा रहे हैं हुसैन को फरमा रहे हैं कि हुसैन चिराग हिदायत है तो फिर भी लोग इमाम के साथ क्यों नहीं हैं जी ये बहुत ही अच्छा सवाल है और अक्सर पूछा भी जाता है कि आखिर क्या वजह थी कि मामे हुसैन को आपने तमाम बयान कर दिया कि रसूल ने जगह जगह उनकी मोरफी की उनको लोगों को बतलाया कि यानी हुसैन या ना वो दूसरी जो हदीस है, है ये दोनों जन्नत के सरदार हैं काम औखा आदा चाहे चाहे ये जंग बिल्कुल ऐसी तो सबसे पहले तो देखें कि इस जमाने में भी इस ज़माने में भी जब कहीं प्रापोगंडा किया जाता है तो शख्सियत को मजरूह किया जाता है बिल्कुल ऐसे। मु, मुख्तलिफ़ हथकंडे यूज़ किए जाते हैं मसलन है। हैं जब अपने किसी मुख़ालिफ़ को दबाना चाहती हैं या उनको लालच देती हैं या उनको खौफ दिलाती हैं बेशक। और पहले तो वो लालच देती हैं अगर लालच से लोग मसान काबू नहीं आते बाज नहीं आते फिर उनको खौफ दिलाया जाता है तो उस जमाने के हमें हालात से आगाही हासिल करना होगी कि आखिर क्या वजह थी कि लोगों ने इमाम हुसैन का साथ नहीं, नहीं दिया और अगर साथ दिया तो बहुत कम ही लोगों ने साथ दिया बिल्कुल देखें, एक चीज़ जो मैं यहाँ पहले कहना चाहता हूँ कि जो अहले बैत का दामन दामन है उससे मुतमस्सिक होने के लिए इंसान को तहारत की शर्त है इसमें तो कोई क, है, तो इंसान इंसान का होना चाहिए बिल्कुल खुदा की तरफ से दो होते हैं एक खुजर बातनी है यही अम्बिया और आयमा बिल्कुल बातनी जो पहले भी मैं बयान करता हूँ कल्ब है रूह और नफ्स है तो देखें इंसान जो है हिदायत उस वक्त पा सकता है जब कोई एक जर्रा जो है उसकी जो दाखिली जो सलाहियत है इस्तेदाद है वो बाकी हो इस्लाम को कबूल करने के लिए भी शिक, शिक। बात इंसान एक ऐसा फेल कर जाता है एक ऐसा काम अंजाम कर दे देता है कि जिससे इंसान की इस्तेदाद ख़त्म हो जाती है क़ुर मजीद में है कि उन लोगों ने हक़ को जटिलाया हालांकि उसका यकीन रखते थे सही बात क्यों हिम कि उनके दिलों को इतना वो जंग लग गया इतने जंग आलू हो गए किस चीज के बिना पे जो काम उन्होंने अंजाम दिए यानी जो काम उन्होंने अंजाम दिए थे उस बिना पे वो अभी हिदायत नहीं, नहीं पा सकते नहीं थे बिल्कुल भी नहीं पा सकते उनमें हिदायत की इस तैदाद नहीं रही है देखें आप जब किसी नजिस बर्तन को पाक करना चाहते हैं ना तो बिल आखिर उसमें इस्तेदाद होती है नजासत जायल होने की बिल्कुल लेकिन अगर कोई मुजस्मे निजात हो, हो जाए उसको पाक करना मुश्किल है, करना है। पहली है। चीज़ तो ये है कि इंसान के गुनाह अहल बैद की अत से या मसलन इमाम हुसैन आसलम आप कह रहे हैं इमाम हुसैन की अतात से माने हो गए यानी लोगों के गुनाह लोग इतने जो है वो यजीद के या मुआविया के ज़माने में भी लोग इतने वो सरकश हो चुके थे कि वो अहले बैत के मतलब प्रापोगन का शिकार थे सही। क्यों इसलिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में शाम से एक शख्स आता है आके इमाम को सबोशम करता है बिल्कुल ऐसे ही इमाम उसको जो है अपने घर ले जाते हैं उसको खाना खिलाते हैं कहते हैं तुम्हें लिबास की ज़रूरत है लिबास चाहिए रहायश की ज़रूरत है इमाम की सवारी की ज़रूरत है सवारी देते हैं सुबह अल्लाह सुबह वो बंदा परेशान हो जाता है कहता है कि मुझे तो बताया गया था कि आप बिल्कुल बेकस हैं तो ये प्रापोगंड का शिकार था बिल्कुल एक तो ये कि शाम में प्रापोगंडा बहुत ज़्यादा हो चुका था सही दूसरी चीज़ जो फैक्टर बना इमाम का लोगों ने साथ नहीं दिया जब यजीद जो है वो ख़िलाफत पे आता है और इमाम कहते हैं कि ऐसे इस्लाम पे सलाम हो कि जब इराबोल बिरा मिसला यजीद के जो है वो जो। यजीद जैसा जो है हुक्मरान बन जाए अब अभी यजीद क्या करता है कोफे में जो है अपने ज्यादात को बेचता है कोफे में जो है लोग मुंतज़िर थे किस चीज़ के कि इमाम असलम आएंगे इमाम ने पहले अपने मुस्लिम बिन अकील नुमाइंदे को भेजा जब मुस्लिम बिन अकील गए हैं तो हज़ारों की शक्ल में लोगों ने उनके इस्तबाल किया और यजीद तक खबर पहुँची है कि कोफ़ा तो हुसैन का हो चुका है वहाँ से इब्ने जियाद को भेजा जाता है बसरा से भेजा जाता है क्योंकि वो बसरा से भेजा जाता है और इब्ने जियाद आता है वो अपने आप को नकाब डाले हुए लोग समझते हैं कि इमाम हुसैन है उनका इस्तकबाल किया जाता है इब्ने जियाद आते ही जो सरगना लोग होते हैं मरकजी लोग होते हैं उनको गिरफ़्तार करता है उनको कुछ को लालच देता है कुछ को खौफ दिलाता है Allah. कहते अगर तो तुम बाज़ आ गए तो ठीक है वही मैं तमाम तुमा, के यहाँ पे सर कलम कर दूंगा Allah, तो वहाँ पे चूँकि जिन लोगों का ईमान कमजोर था ईमान कमजोर था वो दुनिया की लालच में आ गए दुनिया की लालच में आ गए क्योंकि मौत से डर गए मैंने पहले बयान किया ना कि जब इंसान का ईमान कमज़ोर हो वो मौत से डरता है तो चूंकि वो दुनिया के लालच में आ गए तो वो मसला इमाम का साथ देने से गुरेज करने लगे यही वो लोग हैं कि जिनके मतलब मजीद में खुदा आलम ने फरमाएरा सरकशी क्यों क्यों नाफरमानी ना क्यों की तो क्यों की इसलिए कि इन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत पे मुकदम, मुकदम जाना और जो भी दुनिया की जिंदगी को आखिरत पे मुकदम जाने उसको पसंद करे दुनिया की जिंदगी को में रहना पसंद करे वो नाफरमानी करता है वो करता है मैं आखिरी हदीस प्यार करता हूँ और चूंकि अभी दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, नहीं है नहीं। तो इनश्ला आगे इस गुफ्तु को जारी रखेंगे कि दुनिया की मोहब्बत इंसान को हक की पैरवी से रोक देती है क्यों इसलिए कि हदीस मेंबनिया रकुल्लिया के इंसान जो भी गलती करता है उसका मनशा उसका मर्जा क्या है वो खब्ब दुनिया है और जब इमाम इमाम हुसैन आलाम निकले हैं तो अभी लोग जानते थे कि अगर इमाम का साथ देंगे तो मरने का खदशा है ज़्यादा है मरना यकीनी नहीं था मरने का खदशा था क्यों इसलिए कि जब वाक्य करबला हुआ है तो यजीदियों में भी हजारों हलाक हुए हैं तो यही अगर वो इमाम की रकाब में अपनी जान देते तो शहीद होते और बहिष उनका मकाम होता लेकिन यजीदियों के साफ में थे लिहाजा हलाक हुए और जहन्नुम पहुंच गए पहुँच गए वाकई बहुत देखिए इसमें आप बहुत सी चीज़ों को हम ऐड भी कर सकते हैं कि किस तरह से उस वक्त उस जमाने में लोगों का यही समझना था कि जब इमाम हुसैन आलम करबला मदीने से करबला की तरफ जा रहे हैं बताया कि कितने लोग उनके साथ थे लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जैसा आपने भी बताया कि लोग यही समझ रहे थे कि अगर वो यजीद के काफ़िले में रहेंगे तो शायद बच जाएँ फिर दुनिया के जो लालच है वो तमाम उनके वो दिलों में आ गया और वही बात फिर यहाँ पर आ जाती है कि हादी का इंतब क्या है यहाँ पर इमाम हुसैन जैसे हादी मौजूद होने के बावजूद इमाम को इंतबा इमाम का इंतब नहीं किया बल्कि वहाँ पर देखा किस को देखा उन्होंने अपना हादी किस को बनाया दुनिया को अपना हादी बनाया किस तरह से दुनिया की तरफ चले गए माल और दौलत क्योंकि वहाँ पर उनको लालच दिया गया जब उम्र अपने साथ को लालच दिया गया कि रे जो शहर रे है आज कर तेहरान के नाम से मारूफ है और वहाँ पर भी एक हिस्सा है जिसे को रे कहा जाता है तो उस वक्त उसे कहा गया कि आप उस रे का क्या है आपको उस वक्त हुकूमत आपको दी जाएगी उमर साद जैसा बंदा जो कि मुजवस था कि क्या करे लेकिन जब उसको लालच दी तो वो उसने भी अपनी जो हादी है उसको इंतखब किया शैतान को इंतखब किया और वो उस तरफ चला गया तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ तशरीफ़ लाए और वाक आपसे इन मुस्तफ़ होंगे फिर भी इन अगले प्रोग्राम में प्रोग्राम्स में इनशाला और इसको मुफसल तौर पर हम हिदायत और हादी को बयान करेंगे आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं अच्छा। तो जद नाजरी इनशाला उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा जो प्रोग्राम है देखा पसंद किया अपना फीडबैक दे दे सकते हैं हमें जो जो हमारे जो वाट्सअप है नंबर है उस पर भी आप आ, हमें इसके जो प्रोग्राम्स हैं इसके जो बहुत ज़्यादा आप इसके ऊपर बातें कर सकते हैं फेसबुक है व्हाट्सअप है अच्छा यूट्यूब यूट्यूब चैनल पर मैसेज कर सकते हैं कि इसको हम किस तरह से आगे ले जा सकते हैं क्योंकि हमेशा से हिदायत टीवी की यही कोशिश रही है कि मारफ अहलबियत जिक्र अहबियत आप तक पहुँचाएँ और आप हमारे साथ देते रहे हैं और आपके साथ आपकी जो हमारे साथ देने की वजह से हम आप यहाँ पर मौजूद हैं इन दोबारा आपकी खिदत में इसी प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान सैद मुबर अब्बास मुसी को इजाज़त दीजिएगा असल वरहमल वबरक आप के बाद मुझे शिमरे ने मारा बाबा आपके बाद मुझे शिमरे ने मारा बाबा चूर जख्मों से हुई चूर जख्मों से हुई तेरी संकी बाबा आपके के बाद मुझे शिमरे ने मारा बाबा आपके के बाद मुझे

क्या सिरों का कोई क्या सिरों का कोई घर नहीं होता बाबा आपके बाद मुझे शिमर ने मारा बाबा आपके बाद मुझे सिमरी ने मारा बाबा मुँह के बल दो इतना कैसे गिरी थी जब मैं मुँह के बल दो इतना कैसे गिरी थी जब मैं सिमर ने बालों से तब सिमर ने बालों से तब मुझको उठाया बाबा आपके बाद मुझे सिमरी ने मारा बाबा आपके बात मुझे सिमरी ने मारा बाबा कैसे इस खाक के बिस्तर पे मुझे नींद आए कैसे इस खाकी के बिस्तर पे मुझे नींद आए माँ के आखूश है ना माँ के आ है ना आप का सीना बाबा आप के बाद मुझे शिमरे ने मारा बाबा आप के बाद मुझे शिमरे ने मारा बाबा चूर जख्मों से हुई चूर जख्मों से हुई तेरी सकी नबा आपके बाद मुझे शिमरे ने मारा बाबा